हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेल्सन्स प्राइमरी स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस। स्टूडेंट्स, मूविंग और ब्लोइंग एयर, इट्स कॉल्ड विंड। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एटमोसफियर, वी लिव ऑन द अर्थ एंड देर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ। एयर फॉर्म्स द अर्थ एटमोसफियर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इट्स कॉल्ड एटमोसफियर। द एटमोसफियर एक्सटेंड्स टू सेवरल किलोमीटर्स अबोव द अर्थ सरफेस। एज वी गो हाई अप इन द एटमोसफियर द अमाउंट ऑफ एयर बिकम्स लेसर। कंपोजिशन ऑफ एयर। टिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस। द एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। स्टूडेंट्स, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। द रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अ फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ऑक्सीजन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। स्टूडेंट्स, मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर। फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। स्टूडेंट्स, एनिमल्स डेट लिव इन सॉइल लाइक अर्थवर्म्स एंड प्लांट्स रूट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ब्रीथिंग फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अर्थवर्म्स नॉर्मली लिव्स इन सॉइल। दे कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन। दिस हैपन्स बिकॉज वैन इट रेन्स हैवीली रेन वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसिस ऑक्यूपाइड बाई एयर इन द सॉइल। सो स्टूडेंट्स, नो एयर इज लेफ्ट इन सॉइल फॉर अर्थवर्म्स टू ब्रीथ और रेस्पायर। सो दे कम आउट ऑफ द सॉइल। प्लांट्स लाइक मैंग्रोव्स विच ग्रो इन वाटर लॉगेड सॉइल हैव रूट्स डेट ग्रो आउट ऑफ द सॉइल टू गेट एयर। कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर मेकिंग फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। नाइट्रोजन, इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्रोटीन्स इन एवरी लिविंग बींग्स। स्टूडेंट्स, प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। During natural lightning, atmospheric nitrogen combines with oxygen to form nitrogen dioxide, which further combines with water to form nitric acid. Soil changes it to nitrate and then plants absorb them. Animals and human beings get nitrogen from plants or other animals. Nitrogen is present in air and also used in making fertilizers, which are used to provide nitrogen to the plants. So students, plants and the animals help in maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in nature. This shows the interdependence of plants and the animals in nature. Uses of air. Air is useful to us in many ways. Oxygen is used by all living organisms for respiration. Oxygen is necessary for burning fuels. Even air is used to maintain temperature, supplier of energy and help in photosynthesis. Students, moving air has force. This force helps sailing boats,
parachutes and gliders move. Even students, moving air is used to turn the blades of windmills. Students, a windmill is used to draw water from tube wells, to run flour mills and generate electricity. Even students, it helps in dispersal of plant seeds and in pollination. Compressed air is used for inflating tires of bicycles, scooters, cars and buses. It is also used in balloons, footballs,